हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हकीम तिलक राज गोल्डन अवार्ड समारोह का आयोजन सूद भवन होशियारपुर में किया गया। ये समारोह वैद्य सुमन कुमार सूद की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर सांसद कमल चौधरी, विधायक राजकुमार चब्बेवाल, डॉक्टर कुलदीप नंदा, डॉक्टर बलविंदर वालिया, महंत वीर प्रकाश, संत बाबा हरकिशन सोडी और बाबा निरंजन दास विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस वर्ष हकीम तिलक राज गोल्डन अवार्ड एसटी अस्पताल के डॉक्टर आशीष कपूर, हकीम तिलक राज कपूर अस्पताल के डॉक्टर नवनीत कपूर और थ्रिल एंड राइट वाटर पार्क के डायरेक्टर अर्पित कपूर की ओर से डॉक्टर समरा को प्रदान किया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसटी अस्पताल के डॉक्टर आशीष कपूर ने बताया कि हकीम तिलक राज कपूर अस्पताल सदियों से आयुर्वेद के जरिए लोगों की सेवा करता आ रहा है और इस अवार्ड को शुरू करने का उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद का पूरी दुनिया में प्रसार किया जाए। उन्होंने बताया कि हकीम तिलक राज कपूर का एक ही मकसद है, पहला सुख निरोगी काया। इसलिए हकीम तिलक राज कपूर के सुपुत्र एवं एसटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन डॉक्टर हरीश कपूर ने इस अवार्ड की शुरुआत की। इस अवार्ड से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे प्रैक्टिशनर्स का हौसला एवं बल बढ़ता है, जिससे उनमें आयुर्वेद को दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाने का जज्बा पैदा होता है। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय धनवंतरी, जय आयुर्वेद। वैद गुरमेज राम बंगे तो अज असी धनवंतरी जी महाराज जी का जो उत्सव मनाया जा रहा है उदे विच पंजाब दे लगभग सारे वैद इत्थे एकत्र होए आ। भगवंतरी महाराज जी ऐसे वैद होए हन जो कि पूरे संसार दे लई उन्हीं जड़ी बूटियां द्वारा इलाज दस्या। जड़ी बूटियां का जो इलाज आ ये सब तो ज़्यादा सेफ आ, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जय धनवंतरी, जय आयुर्वेद। मैं सुखविंदर समरा वैद पिंड मजाणी अपरा दे नज़दीक उत्थों बोल रहा। अज धनवंतरी जी के जन्म उत्सव संबंध में तिलकरा हकीम तिलकराज कपूर जी अवार्ड गोल्डन अवार्ड उन्होंने दिता गया। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ इन्हों का। दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष कपूर, श्री हकीम तिलक राज कपूर जी का पौत्र, तुहानु सारयां नूं इह दसना चाहुंदा वां कि हर साल की तरह इस साल भी असी जिहड़ा अपने ग्रैंडफादर के नाम का अवार्ड श्री हकीम तिलक राज कपूर गोल्डन अवार्ड जो कि हर साल होशियारपुर के सूद भवन के प्रोग्राम के दौरान दिता जाता है, अज भी यह अवार्ड जिहड़ा वै एक बहुत ही प्रतिष्ठित जिहड़ा वैद है उन्हूं दिता गया, वैद समरा जी नूं दिता गया। और साढ़े इस अवार्ड नूं देण दा जिहड़ा मुख उद्देश्य है वह यही है कि असी आयुर्वेद नूं डे बाय डे ऊंचाइयां ते लैके जाना चाहते हैं। जो आयुर्वेद साढ़े पड़दादा ही ने श्री जय किशन कपूर जी ने शुरू किया और अगे चल के साढ़े ग्रैंडफादर श्री हकीम तिलक राज कपूर जी, फिर साढ़े फादर साहब श्री हरीश कपूर, श्री योगेश कपूर, उस तो बाद मैं डॉक्टर आशीष कपूर ते नाल मेरे छोटे ब्रदर डॉक्टर नवनीत कपूर जिहड़ा इस अपनी विरासत नूं कैरी ऑन कर रहे हैं। उहदा इही एक मुख्य उद्देश्य सीगा कि इस अवार्ड दे नाल असी जिन्ने भी इंडिया दे विच वड्डे पद्धर ते आयुर्वेद नूं बढ़ावा दे रहे जिहड़े वैद हकीम ने उहनां दे विच एक उत्साह भरीए ता कि उहनां दे विच भी आयुर्वेद नूं होर अगे वधाउण दा जिहड़ा वा जज्बा पैदा होवे। सो मैं तुहानूं सारयां नूं वी इही कहना चाहुंदा वां कि अपना जिहड़ा दिनचर्या वै वह आयुर्वेद तो ही शुरू होंदी है और आयुर्वेद एक इदा दी पैथी है जिदे विच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं ने। सो दोस्तों, आयुर्वेद दे ज्ञाता जिहड़े साडे लई आयुर्वेद दे ज्ञाता सीगे श्री हकीम तिलक राज कपूर जी, साडे ग्रैंडफादर, उहनां दे नाम नूं होर ऊंचाइयां ते आपां लै के जाणा चाहुंदे हां और इसे लई हर साल आपां जिहड़ा हकीम तिलक राज कपूर गोल्डन अवार्ड है वह दिंदे हां। और इस अवार्ड दे विच जिहड़ा मेन इंपोर्टेंस है इस अवार्ड की वह यही है कि आयुर्वेद नूं होर ऊंचाइयां ते लैके जाया जाए। नमस्कार जी, मैं योगेश गुप्ता गुड़गांव से। मुझे इस बार हकीम तिलकराज कपूर की तरफ से जो गोल्डन अवार्ड शो होते हैं उसमें इनविटेशन दिया अपने बड़े भाई साहब ने, कपूर भैया ने, और मैं यहाँ पर आया और मुझे यहाँ देख के ये महसूस हुआ कि आयुर्वेद में कितनी दुनिया अब आयुर्वेद को फॉलो कर रही है। एलोपैथिक तो है ही है बट एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक को बढ़ावा मिल रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि जो ये कपूर फैमिली आयुर्वेद के साथ इतना
बढ़ चढ़ के इसकी प्रमोशन या इसके फ़ायदे लोगों को बता रही है, तो ये आने वाले टाइम में इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, इनका नाम हो, इनकी दवाइयाँ अभी भी बहुत सारी कंट्रियों में जाती भी हैं।